दुनिया की लगभग 5% आबादी को ठीक से सुनाई नहीं देता। इनमें 3.2 करोड़ बच्चे हैं। भारतीय आबादी का लगभग 6.3% में यह समस्या मौजूद है और इस संख्या में लगभग 50 लाख बच्चे शामिल हैं। डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन के अनुसार इनमें से अधिकांश मामलों को समय पर उचित टीकाकरण करवा के ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करके और कुछ दवाओं के इस्तेमाल से रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि बहरापन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जन्म के दौरान ध्वनि प्रदूषण और अन्य समस्याओं के कारण नस संबंधी बहरापन हो जाता है। व्यवहारगत बहरापन सामाजिक और आर्थिक कारणों से होता है, जैसे कि स्वच्छता और उपचार की कमी। इससे कान में इन्फेक्शन बढ़ता है और बहरापन भी हो सकता है। उनके अनुसार चिंता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में शिशुओं और युवाओं की श्रवण शक्ति में कमी देखने में आ रही है और ऐसे मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। शिशुओं में यह समस्या आसानी से पकड़ में नहीं आती है, इसीलिए किसी का इस पर ध्यान भी नहीं जाता। उन्होंने कहा कि समय की जरूरत है कि लोगों को शिक्षित किया जाए और जागरूकता पैदा की जाए ताकि नुकसान की जल्दी पहचान हो और उचित कदम उठाए जाएं। जन्मजात दोषों के अलावा श्रवणहास बाहरी कारणों से भी हो सकता है। यह जरूरी क्या है कि वातावरण में शोर का स्तर कम रखा जाए और स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखी जाएं। डॉक्टर घनश्याम ने आगे बताया कि श्रवणहास के मामले में संचार की कमी, जागरूकता का अभाव, शुरुआती जांच और पहल के महत्व के बारे में समझदारी की कमी का दोष किया जा सकता है। इस स्थिति के पहचान करने में देरी में बच्चों में भाषा सीखने, सामाजिक संपर्क बनाने, भावनात्मक विकास और शिक्षा ग्रहण करने की गतिविधियों पर प्रभाव पड़ सकता है। नवजात शिशुओं की हियरिंग स्क्रीनिंग एवं आवश्यक प्रक्रिया है, जो कि समय रहते करवा लेनी चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर इस बीमारी से ग्रस्त लोग अपना जीवन सामान्य तौर पर जी सकते हैं। इस भाषा का प्रयोग करनाल में शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सब लोगों को बताया गया होगा, हम लोग आज इस चीज के ऊपर आपको बताने जा रहे हैं कि जो बहरापन है उसको हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हमारे समाज में बहरापन बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बात यह कि हमें ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। आपको कम सुनाई देता है, आप इस बात को इग्नोर कर दोगे। ये हेडफोन ज़्यादा लगाता है, इसको लगेगा थोड़ा बहुत कानों में वैसी हो रही है, किसी के कान बह रहे हैं, दवाई इधर दाएं बाएं से लेके हो जाएगा, ठीक है, पूरी दवाई नहीं लेते। इसलिए बहरेपन के ऊपर अब सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें क्या है कि आप लोग सिविल अस्पताल में आओ, आपकी जाँच होगी, आपको दवाई दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। अगर सुनने में दिक्कत है, जैसे हमने को आँखों से कम दिखाई दे रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे जब सुनाई कम देता है तो इस बात को नज़रअंदाज ना करें। और सबसे बड़ी बात, ऐसी कोई भी दवाइयाँ ना खाएं। हम जाते हैं गांव में, कोई दवाइयों की दुकान है, दवाई ले ली, उन दवाइयों का नुकसान कई बार हो जाता है सुनने की नसों पर, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपको इस तरह की दिक्कत आए हमारे पास आओ, हम जाँच करेंगे, कोई इलाज होगा इलाज करेंगे। और दूसरी बात कि आप जैसे ये हमारे पास आए हुए हैं, ये आपको एक साइन लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि जो बधिर लोग हैं, बहरे लोग हैं, वो कैसे आपस में अपनी बात कह सकते हैं, वो ये लोग बताएंगे, ठीक है ना। आपने शुरू कर दिया बताना? हाँ, बता रहे थे। बता रहे थे आप, ठीक है ना। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, जैसे आप लेबर रूम में अभी आए हो, यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मान लो ये कितनी उम्र है इस बच्चे की, इसकी कितनी उम्र है? 3 साल। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे तो उसी टाइम जांच करते हैं पैदा होते ही, ताकि अगर उसमें जन्म से ही कोई दिक्कत है सुनने की, 3 महीने का 3 महीने का ना, जो भी बच्चे हैं जैसे पैदा हुआ, पैदा होते ही जांच करेंगे। ये तो 3 महीने का है, पैदा होते ही उसी 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर हम जांच करेंगे, ताकि बच्चे में अगर जन्म से कोई दिक्कत है तो पता चल जाए। ये धीरे धीरे शुरू करेंगे, पर पहली सबसे बड़ी जरूरी बात है कि आप बहरेपन को इग्नोर ना करें, ठीक है। आप बताइए अपनी बात। जैसे ही पता लगता है कि भाई बच्चा जो है वो सुनता नहीं है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेके जाना है। वो आपको बताएंगे भी क्या करना है, जो सलाह वो देते हैं आपको वो करिए। धीरे 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 मान लो मशीन लगाना है या कॉपले इम्प्लांट लगाना है, 3-4 साल के अंदर सारे काम हो जाते हैं। अगर बच्चा उसके बाद नहीं सुनता है, फिर भी नहीं सुनता है, तब ये हमारा स्कूल खुला हुआ है और हम यहाँ पर सांकेतिक भाषा में बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए वहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन करके एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, उनके लिए वहाँ पर पढ़ाई होती है। उसके बाद नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा हम अलग देते हैं। तो फ्री, फ्री है। आप फ्री है। अर्ली इंटरवेंशन में फ्री है।
जो अर्ली इंटरवेंशन है वो फ्री है, मतलब उसका आप फायदा उठा सकते हो। 0 से 6 साल तक का बच्चा है उसके लिए फ्री। और यही सबसे जरूरी टाइम होता है 0 से 6 साल, जो भी इलाज काम कर सकता है, कारगर हो सकता है, उसी टाइम में कर सकता है। अगर आप 6 साल से आगे आपने ध्यान नहीं दिया, उससे आगे चलेंगे तो उतना फायदा नहीं होता, इसलिए सरकार का जो ठीक है। तो उसमें अब आपको देखो, आप सोच रहे हो कैसे बात करी जाती है, तो थोड़ा सा आपको मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ कि इनको बताओ। देखो ये क्या है, ये केला है। हालांकि हम लोग जानते हैं कई लोग, JBD Banquets lie here, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।